नंबर आया था हमारे पास, ठीक है, उस पर हमने कॉल करी, ठीक है, उनसे हमने पैसे लिए 60,000 रुपये, ठीक है। ये अपने चाचा का केस लाया, इसके चाचा को कॉल करी, गिरफ्तारी एक फोन कॉल की मदद से आई। कराची में भत्ताखोरी की वजह से न सिर्फ तजारती सरगर्मियां तबाह और बर्बाद होकर रह गई हैं, बल्कि बहुत सारे ताजरों को भत्ता ना देने की पादाश में कत्ल भी कर दिया गया। देखने में आया है कि शहर में भत्ता वसूल करने वालों का कोई एक मखसूस ग्रुप नहीं, बल्कि बहुत सारे अफराद और गिरोह इस मुनाफा बख्श कारोबार में मुलव्वस हैं। हैरत की बात यह है कि भत्ता वसूल करने वाले जराइम पेशा अनासिर में कम पढ़े लिखे और गैर तालीम याफ्ता अफराद के साथ पढ़े लिखे अफराद भी शामिल हैं। आज के प्रोग्राम में आप ऐसे ही लोगों से मिल सकेंगे जो पढ़े लिखे होने के बावजूद इस मकरूह धंधे में मुलव्वस थे। आज के प्रोग्राम में आप ये भी देख सकेंगे कि लाहौर में नामालूम अफराद ने तालिब इल्म को क्यों कत्ल किया और रावलपिंडी में 6 साल बच्ची को कत्ल करने वाले मुलजमान कौन। कराची में भत्ताखोरी एक मुनज्जम कारोबार की शक्ल इख्तियार कर चुका है। यहाँ के भत्ताखोर एक फोन कॉल करके किसी भी ताजर या दुकानदार से आसानी के साथ लाखों रुपए बटोर लेते हैं। सुपरमार्केट पुलिस ने एक ऐसे ही गिरोह के 3 कारंदों को गिरफ्तार किया है जो तालीम याफ्ता होने के बावजूद इस घिनौने कारोबार में भी मुलव्वस थे। आइए उन्ही की जुबानी सुनते हैं कि वो लोगों के साथ क्या सलूक करते हैं। भत्ताखोरी कराची का सबसे मुनाफा बख्श कारोबार। कराची मुल्क का मुआशी हब है, जहां गुजरते वक्त के साथ कारोबारी सरगर्मियां बढ़ी हैं। वहां शहर में मौजूद जराइम पेशा अफराद ने मेहनत करने और अपनी सलाहियतों के बलबूते पर पैसे कमाने वाले अफराद से जबरदस्ती भत्ता वसूल करना अपना हक समझ लिया है, जिससे शहर भर के ताजिर परेशान है। भत्ता माफिया के कारिंदे जिसे चाहते है फोन करते और रकम का मुतालबा करते हैं। बलाज भाई, मेरे पास जो है इतने पैसे नहीं है। हजरत साहब, आप मेरे को थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं कोशिशों में लगा हुआ हूँ, आपको मैं कर दूंगा। मेरे को टाइम देता कल का। पुलिस के आला हुक्काम कहते हैं कि मुल्क भर में होने वाली भत्ताखोरी और इगवा बराए तावान की वारदातों में अमीर घरानों से ताल्लुक रखने वाले अफराद और पढ़े लिखे नौजवान शामिल है, जबकि इन वारदातों में गिरफ्तार होने वालों में 25 अफराद ऐसे भी शामिल हैं जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट तक तालीम हासिल कर रखी है। सुपरमार्केट पुलिस ने भी भत्ताखोरी में मुलविस 3 ऐसे नौजवानों को गिरफ्तार किया जो तालीम याफ्ता होने के साथ बरसरे रोजगार भी हैं। एसएसपी सेंट्रल आमिर फारूकी ने अपने दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि सुपरमार्केट पुलिस ने बलोच मस्जिद सीवन एरिया लियाकताबाद में मुकाबले के बाद 3 भत्ताखोरों जैद गौरी, हसीब शाह और जुनेद को गिरफ्तार किया है, जो सर्राफा मार्केट में ज्वेलर से फोन कॉल के जरिए लाखों रुपए भत्ता वसूल कर चुके थे। नंबर आया था हमारे पास, ठीक है, उस पर हमने कॉल करी, ठीक है, उनसे हमने पैसे लिए 60,000 रुपये, ठीक है, उसके बाद हम बैक हो गए, ठीक है। फिर रिसेंटली आफ्टर 1.1 मंथ फिर हमने इरशाद भाई को कॉल करी, ठीक है, वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं, हम बैक हो गए। फिर रिसेंटली फिर हमने इसको अदील भाई को कॉल करी, ठीक है, उनसे हमने पैसे लिए, ठीक है, 1,00,000 रुपये, ठीक है। फिर इसके बाद हमने एक रिजवान लड़का है उसको कॉल करी थी, ठीक है, वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, ठीक है, वहाँ से बैक हो गए, इसके अलावा साहब नहीं कुछ। मुलजमान भत्ता वसूल करने के लिए मोबाइल फोन्स पर लोगों से रابطے के बाद उन्हें क्या कहते थे? गिरफ्तार होने वाले मुलजमान ने लियाकताबाद सर्राफा बाजार के करीब परचून की दुकान के मालिक अरशद अली को मोबाइल फोन पर संगीन नतीजे की धमकियां दी और 3,00,000 रुपए भत्ता तलब किया था, जबकि मुलजिम जुनेद ने अपने सगे मामू को भी जान से मारने की धमकी देकर भत्ता वसूल किया था। नहीं, मैं पैसे लेने नहीं, मैं आज तक नहीं। तुम्हारा क्या किरदार है? मेरा, मैंने अपने चाचा का और एक दुकान अदील ज्वेलर्स का 1,00,000 रुपये का वो और 60,000 रुपये का चाचा। इस तरह नहीं करते थे कि अगर हमने कॉल कर दी तो हम फिर कॉले करे जा रहे हैं। नहीं, हम कॉले नहीं करते थे और ना हम किसी हंडशंड को कॉल करते थे। हम कॉल सिर्फ उसे करते थे जिससे हमें पता लगे कि हाँ भाई ये बंदा क्या कर सकता है।
ये अपने चाचा का केस लाया, इसके चाचा को कॉल करी, तो वो इस बिहाफ पे करी थी और इसके कहने पे इस बिहाफ पे करी थी कि भाई कुछ भी होगा, कोई भी परेशानी हो आप हमें बताओ कि हम बैक हो जाएंगे। इनका ये है कि जो डर गया सो मर गया, जो वो पैसे दे दिया उसको बुला लिया, मामू को उसने ये क्या किया 3 लाख का उसने कहा और 3 लाख के बाद जो है बात डिसाइड ये हुआ कि 1 लाख पर ये ऐशा मंजिल के पास वहाँ गए दमकल के करीब, वहाँ जाकर उसने मामू से वहाँ गए, ये लोग हेलमेट लगाए हुए थे, हेलमेट लगाने के बाद उन्होंने कहा कि यहाँ आप फेंक दें पैसे, तो उन्होंने वहाँ पर पैसे रख के उन्होंने कहा कि आप सीधे चले जाए, देखना नहीं इस तरह, ये तरीके वारदात था। पुलिस का कहना है कि मुलजमान ने अपने जुर्म का इतराफ भी किया है और उनकी गिरफ्तारी मोबाइल फोन सिम से अमल में आई है। गिरफ्तारी एक फोन कॉल की मदद से आई, उस फोन कॉल की वजह से जो है हम यहाँ तक पहुँचे, जुनैद तक पहुँचे, जुनैद के बाद दोनों बंदों को पकड़ लिया। गिरफ्तार होने वाले मुलजमान तालीम याफ्ता है और दो मुलजमान की सर्राफा बाजार में दुकानें भी हैं जो शौकिया तौर पर भत्ताखोरी का काम करते थे। दो बंदे ऐसे हैं हसीब और जुनैद जिनकी मार्केट में खुद की दुकान है, मगर ये लोग शौकिया काम करते हैं। अभी मुझे बातचीत की तो पता ये चला कि ये लोग ड्रामा देख देख के और ये फिल्में देख के इनको शौक पड़ा। एंट्री किया वैसे काम बर्तन का, बर्तन आइए देखते हैं कि सिंध में इगवा बराए तावान के कितने मुकदमात दर्ज हुए और कितने मुलजिमान को हिरासत में लिया गया। आदादोशुमार के मुताबिक सूबा सिंध में इस अरसे के दौरान भत्ताखोरी के 64 मुकदमात दर्ज हुए। कराची में इन वारदातों में मुलविस 58 अफराद को भी हिरासत में लिया गया, जिनमें से मुकामी तालीमी इदारों के 18 तालबा भी शामिल हैं, जबकि लियाकत आबाद सुपर मार्केट से गिरफ्तार मुलजमान में से एक मुलजिम डिप्लोमा होल्डर भी है। इंटर के बाद क्या करा? इंटर के बाद कुछ भी नहीं किया, दो साल हुए इंटर हुए, उसके बाद कुछ भी, कोई जॉब नहीं की, हमारे दुकान के केस वेस चल लेते, इतने मसले मसाइल भी थे बहुत सारे। दूसरी जानिब हाल ही में लाहौर और शेखपुरा से अगवा होने वाले दो ताजिरों के मुकदमे में जिन 7 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है उनमें से 5 BSc मैकेनिकल इंजीनियरिंग और BSc कंप्यूटर साइंस का इम्तिहान पास कर चुके थे, जबकि इससे पहले कराची में ताजिरों को भत्ते की पर्चियां दी जाती थी। ताजिर बिरादरी का कहना है कि मुलजमान की गिरफ्तारी के बाद लियाकत आबाद मार्केट से भत्ताखोरी का खात्मा हो जाएगा। अब मेरे हिसाब से बहुत कम हो जाएगा और बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा मेरे ख्याल से, इसलिए एक ही ग्रुप था जो मतलब हाँ मुसलसल तो थ्रेडिंग की कॉलें आ रही थी ताजिरों को। मतलब मैं आज सोचता हूँ तो मेरी समझ नहीं आता ये ऐसे कैसे हुआ, समझ नहीं आता साहब, नादानी थी हमारी, क्या था अल्लाह माफ़ करे, हमारे किए की सजा हमें मिल रही है हमारे सामने, ये हथकड़ी किसी को साहब शौक नहीं है बनवाने का। सराफा बाजार में तो बहुत कम हो जाएगा, सराफा बाजार लियाकताबाद की मार्केट में ये भी कमी आएगी। पुलिस का कहना है कि मुलजमान ने लियाकताबाद मार्केट और गुलबहार में सैनिटरी मार्केट से ताजिरों से भत्ता वसूल किया है। भत्ताखोर रकम की वसूली के लिए उन्हें मुख्तलिफ मुकामात पर बुलाते थे और भत्ते से हासिल होने वाली रकम आपस में तकसीम कर लेते थे। मुलजमान ताजिरों को भत्ते की कॉल करते और भत्ता न देने पर जान से मारने और दस्ती बम हमला करने के अलावा संगीन नतायज की धमकियां देते थे। धमकियां कॉल करते थे बस, आप वही बलूची जबान थोड़ा लहजा आता था उसका मुझे, तो उसको यूज़ किया, उनको धमकियाँ दी कि भाई तुम्हारे घर पे आ जाएंगे तो तुम्हें गोली मार देंगे या तुम्हारी दुकान पे आ जाएंगे। वो वैसे भी धमकियाँ थी, होती नहीं थी, जब बलूची लहजा जाता था तो ऑटोमेटिकली वो डर जाते थे। कितने लोगों को फोन किया? दो लोगों से पैसे नहीं है, दो लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं दिया कोई। कराची में जारी टारगेटेड ऑपरेशन के दौरान मुबैना तौर पर कई भत्ताखोरों की गिरफ्तारी का दावा किया गया है, मगर देखना यह है कि इन गिरफ्तारियों के बाद क्या भत्ताखोरी की वारदातों में कमी आएगी या कुछ दिनों बाद वही सिलसिला दोबारा शुरू हो जाएगा। कैमरामैन कासिम रईस के साथ खुर्रम गुलजार, समा कराची। जिस शहर के पढ़े लिखे नौजवान भी भत्ता माफिया का हिस्सा बन जाएं, वहां के शहरियों का
खुदा ही हाफिज है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आपके साथ भी जुर्म की कोई वारदात पेश आई है तो हमसे ज़रूर रब्ता करें। हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।